अच्छी गवर्नेंस, बेस्ट गवर्नेंस बनाने का प्रयास करेंगे। अरे ये क्या हुआ, ज्योतिराय सिंधिया का नाम सुनने के बाद कलेक्टर साहब तो भागने लगे, कलेक्टर साहब दौड़ लगाने लगे। आपको शुरुआत में वीडियो में कुछ सेकंड का जो मैंने वीडियो दिखाया था, कलेक्टर साहब आगे आगे और पीछे पीछे एमपी तक के रिपोर्टर सर्वेश पुरोहित नजर आए होंगे। मामला कहां का मैं आपको बता दूं, मामला ग्वालियर का है, जहां पर एमपी तक के संवाददाता सर्वेश पुरोहित ने दरअसल कलेक्टर साहब से सवाल कर लिया। कलेक्टर साहब से उन्होंने सवाल किया कि ज्योतिराय सिंधिया आ रहे हैं, उनका रोड शो होगा, बड़े लोग आ रहे हैं, शहर में धारा 144 लगी है। तो जैसे ही ज्योतिराय सिंधिया का नाम लिया हमारे संवाददाता सर्वेश पुरोहित ने, कैसे कलेक्टर साहब भागे, पूरा वीडियो देखिए। अच्छी गवर्नेंस, बेस्ट गवर्नेंस बनाने का प्रयास करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर आ रहे हैं। नहीं सुनेंगे। अरे अरे सुनो सुनो, एक मिनट तो सुनो। कांग्रेस ने भी तो, कांग्रेस का ये कहना है कि जब हम लोग प्रदर्शन करते हैं तो हम पर FIR दर्ज कर ली जाती है गाइडलाइन का हवाला देकर कोरोना की, और जब इतना बड़ा रोड शो हो रहा है तो प्रशासन उन पर क्यों नहीं एक्शन लेता है। जरा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की बात भी सुन लीजिए, जो बता रहे हैं कि क्यों धरने पर बैठ गए। ग्वालियर संभाग से लोगों को इकट्ठा करके ग्वालियर में जो तीसरी लहर का आगाज पूरे भारत में हुआ है, ये ग्वालियर में लाना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि जब कोरोना गाइडलाइन लागू है, 144 धारा लागू है, तो प्रशासन जो है, हम जब ग्वालियर की कोई भी जन समस्या उठाते हैं तो हम पर तुरंत 188 की कार्रवाई कर दी जाती है। ये आज जो है स्वागत कराने आ रहे हैं, इन पर क्यों नहीं हो रही वो कार्रवाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जन आंदोलन अगर शांतिपूर्ण ढंग से कोई कर रहा है, जनता की समस्या उठा रहा है, तो उसमें किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी हम लोगों पर केस लगा दिया गया, हम धरने पर बैठे थे। आज तो हम इस बात का विरोध करने ही बैठे हैं। हमने कहा कि हमें और गिरफ्तार कर लो, 22 तारीख को, पिछले 22 अगस्त को हमने ये बात कही थी। तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को आपने सुना, जो बता रहे हैं कि जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो हम पर FIR कर ली जाती है। प्रशासन का ये कैसा दोहरा मापदंड है कि हमारे धरना प्रदर्शन को गलत मानते हुए धारा 188 के तहत हम पर कार्रवाई कर दी जाती है। यही वजह है कि हमारे संवाददाता सर्वेश पुरोहित, जो मैंने वीडियो आपको दिखाया, उन्होंने जाने की कोशिश की थी। बस उन्होंने साधारण तौर पर ये पूछा कि अगर धारा 144 लगी हुई है, और उन्होंने इतना ही कहा, नाम ही लिया उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया का, कि ज्योतिराय सिंधिया आ रहे हैं, उनका रोड शो हो रहा है। तो कलेक्टर साहब से पूछना चाह रहे थे सर्वेश कि क्या इसकी अनुमति है, इसकी अनुमति प्रशासन ने दे दी है अगर धारा 144 लगी हुई है। तो यही वजह है कलेक्टर साहब जो है उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा और सवालों से भागते हुए एमपी तक के वो नजर आए। और दरअसल कोशिश भी यही थी जानने की एमपी तक की कि क्या वास्तव में क्या अभी वो धारा लगी हुई है 144, या प्रशासन ने जो अनुमति दी है उनसे इस आयोजन के लिए अनुमति ली भी गई है प्रशासन से, प्रशासन को आवेदन दिया गया है कि नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग रोड शो में जुटे। तो यही चीज थी, यही वजह थी कि सर्वेश पुरोहित जो हमारे समाता है जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कलेक्टर साहब जो है भागते हुए नजर आए। ग्वालियर से आप तक एक खबर पहुंचाई हमारे समाता सर्वेश पुरोहित ने, आप देख रहे हैं एमपी तक।